जय बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? आज हम चलते हैं क्लास सेवन में हिस्ट्री के साथ। क्लास सेवन सब्जेक्ट हिस्ट्री, लेसन सिक्स, नेम है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन, एंड दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ दिस लेसन। ओके, इससे पहले मैं दो वीडियो और कर चुका हूं, अगर आप नहीं देखे जाकर यूट्यूब से आप उसको देख लें। तो आज टॉपिक से क्राफ्ट इन द टाउन, तो ये देखते हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 81 को ओपन कर लीजिए ताकि हम लाइन बाय लाइन समझ सकें। तो क्राफ्ट्स इन टाउन देखते हैं। द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बीदा वेयर सो फेम फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट केम टू बी कॉल्ड बिदरी। देखिए, बिदार एक रियाज है जहाँ के क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे। तो इनका जो वर्क है इतना फेमस था, इतना मशहूर था सिल्वर और कॉपर के काम के प्रति कि इन्हें बिदरी भी कहा जाता था। द पंचाल्स और द विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ, ब्रोंज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मेसन्स एंड कारपेंटर्स वेयर इसेंशियल टू द बिल्डिंग्स ऑफ टेम्पल्स। यानी कि यहाँ कुछ ऐसे कम्युनिटी थे, ऐसे समुदाय थे जिसे पंचाल या विश्वकर्मा, जिसको हम लुहार भी बोल सकते हैं, ये समुदाय के लोग थे। इसमें साथ साथ इनके साथ साथ गोल्ड स्मिथ भी थे जो सुनार वगैरह बोलते हैं, ब्रोंज स्मिथ जो ब्रोंज पे काम वर्क करते थे, ब्लैक स्मिथ, मेसन्स एंड कारपेंटर्स जो थे किसी भी बिल्डिंग्स के लिए, खासकर टेम्पल्स के लिए बहुत ही जरूरी था, बहुत ही इसेंशियल अपना रोल प्ले करते थे। दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस। बिल्डिंग के साथ साथ, टेम्पल के साथ साथ ये लोग पैलेस भी, यानी कि किंग का, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का, ट्रेडर्स का जो है पैलेस ही बनाया करते थे। बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्वर्स ये सब इन्होंने बनाते थे। सिमिलरली वेवर्स सच आई द सैलिया और कैकोलर्स, ये एक नाम है कम्युनिटी का, इमर्ज आई द पेरोस्पेरस कम्युनिटीज, उस समय एक बहुत शक्तिशाली एक समुदाय के रूप में उभरती हुए दिखती थी। मेकिंग डोनेशंस टू टेम्पल्स, यानी कि मंदिरों के लिए डोनेशंस देती थी, तैयार करती थी। सम एस्पेक्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग एंड डेइंग बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट। यानी कुछ समय जो है इनका जो वर्क था स्पेशल, मुख्य रूप से कपड़े को बनाना, कपड़े को डेइंग करना, कलरिंग करना, स्पिनिंग करना, और स्पेशलाइज जो है इनकी जो वर्क था इंडिपेंडेंस था। आपने यहाँ पर कुछ फिगर्स देखेंगे इस बुक में जो कि ब्रॉन्ज का एक बना हुआ है, इसको बोलते हैं कैंडल स्टैंड, जहाँ पर क्या करते हैं कैंडल को उसमें लगा देते हैं और ये आपको स्टैंड के रूप में वर्क करता है। देखना अभी इसमें कितना अच्छे ढंग से कलाकारी की गई है, इसमें कितना जो है इमेज है, तो आप इसको देख सकते हैं क्लियरली। आइए देखते हैं, और ये देखें शॉल बॉर्डर जो कपड़े की वो करते थे, शॉल पे एक बॉर्डर का फिगर दिया गया है कि इसमें कैसे किस ढंग से कलाकारी हैंड से की हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं इजिली। यानी कि वहाँ क्राफ्ट जो है, क्राफ्ट वर्क कितना जो है डेवलप था, आप इसको इजिली यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है अ क्लोजर लुक हम्पी, मुस्लिपट्टनम एंड सूरत। हम यहाँ तीन शहरों की बात करेंगे जो उस समय काफ़ी डेवलप हुआ करते थे, खासकर ट्रेड के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ चेंजिंग फॉर्चून ऑफ टाउन्स, तो इसको देखते हैं। द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी, यानी कि हम्पी की जो बनावट थी, हम्पी की जो स्ट्रक्चर था घरों का, बिल्डिंग्स का, यहाँ पर और सारी चीज़ों का, तो किस तरह से डेवलप था हम आइए इसको देखते हैं। तो हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड इन 1336। यानी कि जो ये आपका हम्पी है, हम्पी का जो पोजिशन है, लोकेशन है, वो कृष्णा और तुंगभद्रा बेसिन में है, जिससे हम कह सकते हैं अपने को गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन में हम लोग रहते हैं। उसी प्रकार जो वो आपका हम्पी है वो कृष्णा तुंगभद्रा रिवर के बेसिन में है, और जिसको विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता है, जिसकी फाउंडेड यानी कि जिसकी नींव कब रखी गई थी,
1336 में। याद रखना तो वेन वाज विजयनगर फाउंडेड या फाउंडेशन, तो आप कह सकते हैं 1336। द मैग्निफिसेंट रुइंस एट द हम्पी रिवील अ वेल फोर्टिफाइड सिटी, यानी कि जो आज हम्पी की जो यानी बहुत बृहद जो उसका अवशेष है, रुइंस है, तो वह देखने को मिलता है कि आज भी बहुत बड़े और मोटे दीवालों से वो चारों तरफ से घिरा हुआ शहर था। ठीक है, नो मोटर और सीमेंटिंग एजेंट वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वॉल्स, यानी कि ऐसी वॉल्स है मोटी तगड़ी ताजी है कि इसमें किसी भी प्रकार का मोटर यानी कि सीमेंट सैंड वगैरह का यूज नहीं किया गया है। तो फिर कैसे ये स्टैंड है, ये कैसे इतना टिकाऊ हुआ है। एंड द टेक्निक फॉलोड वाज टू वेज फॉर्म टुगेदर बाई इंटरलिंकिंग, यानी कि जो इसमें लगाए गए हैं जो दीवार में जो ईंट या ब्रिक्स या जो स्टोन्स लगाए गए हैं वो इंटरलिंकिंग पैटर्न। अब इंटरलिंकिंग पैटर्न क्या है, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर इसे मान लीजिए बाल हो गया, इसमें इस तरह से ढंग से लगाया गया है आपको ब्रिक्स और ईंट। अब क्या हुआ, जब नेक्स्ट वाल होगा तो यहाँ से ऐसे यानी कि इंटरलिंक पैटर्न पे है, फिर यहाँ से ऐसे आपका होगा, यानी कि जो एक दूसरे का जो ब्लॉक है इंटरलिंक्ड है। जिससे ऐसा नहीं होता है कि ये आपका ब्रिक्स है और इसको सीधा सीधा ऐसे ऐसे कर दिया गया तो क्या होगा, यहाँ चांसेस है गिरने का। लेकिन ये जो पैटर्न है आपका क्या है, वो इंटरलिंक पैटर्न है, यानी कि दूसरे से क्या है, लिंक्ड है, पकड़ा हुआ है, तो ये गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे कि आज हम लोग घर बन रहा है आप देखते हैं इट्स ब्रिक्स वगैरह की, तो इसी पैटर्न में बनते हैं ताकि वो मजबूत होता है और काफी टिकाऊ होता है। द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वाज डिस्टिंक्टिव, यानी जो आर्किटेक्चर है, द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स वाज स्प्लेंडेड आर्च, और जो रॉयल फैमिली का जो रॉयल बिल्डिंग्स वगैरह था काफी ज्यादा स्प्लेंडेड यानी कि अच्छे ढंग से डेकोरेट करके है। डोम्स एंड द पिलर्स पिलर्ड हॉल विथ नीच फॉर होल्डिंग स्कल्पचर, यानी कि सर जो है इसमें पिलर्स हैं ताकि बिल्डिंग को खड़े ढंग से मजबूती से रख सकें, इस तरह की उसमें ध्यान दी गई है। दे ऑल्सो हैड वेल्ड प्लान आर्च एंड प्लेजर गार्डन विथ स्कल्पचर मोटिव्स सच एज द लोटस एंड कार्बेल्स, यानी कि इसके साथ साथ जो वहाँ के बगीचे भी हैं, जो वाग हैं, जो गार्डन्स हैं, वो भी इस ढंग से उसको सजाया गया है ताकि वो देखने में क्या हो, अट्रैक्टिव हो। इन इट्स हेड द 15th century हम्पी बस्टल्ड विथ कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटी, यानी कि 15th century के दौरान जो हम्पी था वो कमर्शियल और कल्चरल सेक्टर की एक्टिविटी से भी मतलब जाना जाता था। नेक्स्ट है मुस्लिम मर्चेंट चेस्टीज एंड द एजेंट ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज द पोर्तुगीज थ्रोन द मार्केट्स ऑफ हम्पी, यानी खासकर जो मुस्लिम व्यापारी थे हुआ करते थे वो यहाँ आते थे और उसमें खासकर चेस्टी थे और एजेंट ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स के जो एजेंट थे जो पुर्तगाली थे वो यहाँ आते थे और उन्हीं से हम्पी का मार्केट जो है भरा पड़ा होता था। इसके बाद टेम्पल्स वेयर द हब ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज, यानी कि जो टेम्पल्स भी थे वो कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक हब बना हुआ तो होता था, यानी कि समय समय पर यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम होते थे। एंड आदिवासी टेम्पल डांसर जो मंदिरों में डांस किया करते भजन कीर्तन किया करते थे परफॉर्म्ड बिफोर द डेटीज, यानी कि भगवान की प्रतिमा के सामने मूर्तियों के सामने जो है नाच गान भजन कीर्तन करते थे। रॉयलिटी ऑफ रॉयल्टी एंड मैसेज इन द मेनी पिलर हॉल्स इन द विरूपक्षा टेम्पल जो है जो शिव से है, यानी कि वाजता है कि बाई विच या होम गॉड इन द विरूपक्षा टेम्पल, उसमें किस भगवान की मूर्ति है तो शिव की मूर्ति है। तो यहाँ के जो पिलर हैं जो बिल्डिंग्स के जो पिलर्स हैं उसमें भी कई सारे मैसेज जो है पिक्चरों को वहाँ से मैसेज देने का वहाँ पर ऐसा पिक्चर जो मैसेज देते हैं। एंड द महानवमी फेस्टिवल नोन टूडे एज द नवरात्रि इन द साउथ वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट द हम्पी, यानी जो हम लोग आज नवरात्रि कहते हैं
वहाँ पहले महानवमी के नाम से जाना जाता था, जो हम्पी में काफ़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड इन महानवमी प्लेटफॉर्म वेयर द किंग रिसीव गेस्ट एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम सबॉर्डिनेट चीफ्स। यानी कि ऐसा था कि महानवमी में जो वहाँ राजा हुआ करता था, वहाँ गेस्ट आते थे और गेस्ट से जो है ट्रिब्यूटरी टैक्स जो है मतलब गिफ्ट लेते थे, और जो उनके सबॉर्डिनेट उनके सहयोगी जो लोग थे उनसे जो है टैक्स के रूप में टैक्स वसूल कराया करते थे। फ्रॉम हेयर ही ऑल्सो वॉच डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस एज वेल एज वेस्टलिंग बूट्स। यानी कि वहाँ पर डांस नाच का भी जो है कार्यक्रम हुआ होता था। हम्पी फेल इनटू रुइन फॉलोइंग द डिफीट ऑफ द विजयनगर। जब विजयनगर हार गया, विजयनगर जब हार हुई 1965 में, तब से क्या हो गया, धीरे 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 साम्राज्य का पतन होते चला गया। और डक्कनी सुल्तान्स द रूलर्स ऑफ द गोलकोंडा बीजापुर अहमदनगर बेरार एंड बिदार। इन्हीं से क्या हुआ, सबका जो है एक बार समाप्ति हो चुका। तो हम लोग आज से यही रख देते हैं, ये आपका नेक्स्ट हम पॉइंट 4 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, आप इसको देखना पढ़ना और समझना। ओके, हम फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।